गिरिडीह के महेश टुंडी के रहने वाली दर्जनों महिला और पुरुष ने डीसी ऑफिस में जमीन हड़पने के संबंध में डीसी के नाम आवेदन दिया, जिसमें सदर प्रखंड के महेश टुंडी पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव पर सरकारी योजनाओं का प्रलोभन देकर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। साथ ही इस मामले में जांच की मांग कर न्याय की गुहार लगाई। वही बीजेपी नेता कामेश्वर पासवान ने कहा कि गलत तरीके से तरह तरह के प्रलोभन देकर जमीन का रजिस्ट्री कराना असंवैधानिक है। इधर मुखिया ने अपने ऊपर लगे आरोप को गलत बताया है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र की महेश लुंडे की है। जमीन महेश लुंडी पंचायत का जो शिवनाथ साहब जो मुखिया चुने हैं वो हम लोग का 47 डिसमिल जमीन हड़प ली है, तो मुखिया क्यों चुना जाता है सो हमको बताइए। ना गांव का जमीन हड़पने के लिए, ना किसी गांव का गरीब लोग का सहायता करने के लिए रजिस्ट्री पूरा करवा लिया है। जमीन पर अवैध कब्जे की जो बात है वो सरासर गलत एवं बेबुनियाद है, ठीक है। और जहाँ तक की बात है जमीन रजिस्ट्री की, तो एक कहावत कहा गया है कि मरने के बाद वैध और बिकने के बाद ग्राहक बहुत मिलता है। तो जब आवश्यकता थी किसी के पास तो किसी का वो अपना आकर के अपना शेयर मेरे पास रजिस्ट्री किया, मेरे पास विधिवत रूप से बेचा गया है ज़मीन को, वो ज़मीन को हमने खरीदा है और विधिवत रूप से उसका जो दाखिल खारिज जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण हुआ है। और कुछ दिनों से हमारे चुनाव जीतने के बाद से इस क्षेत्र में न्यू समाहरणालय भवन बनने के बाद काफ़ी भूमि माफिया लोग सक्रिय हो गए थे और जाली वंशावली बना बना करके कई लोगों का जमीन हड़पने का काम कर रहा था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।